हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि बिग बॉस 15 में जैसे ही मंडे आता है, कैप्टन सी के लिए टास्क दे दिया जाता है। कैप्टन सी के लिए जो टास्क दिया गया वो कुछ टास्क इस तरह से था कि उनको कुछ टुकड़े दिए गए थे, यानी ट्रेजर हंट जैसा था। कहीं से टुकड़े जोड़ने थे, कहीं पर लगाने थे, तो ये टास्क थोड़ा अटपटा सा था। लेकिन कैप्टन सी टास्क के दौरान लड़ाइयाँ भी हुई जो तेजस्वी और जय के बीच में दिखी। फिर दूसरी बार ये लड़ाई दिखी जय और प्रतीक के बीच में। तो सभी घर वाले इस बात को लेकर परेशान थे कि कैप्टन किसको बनाया जाए। इवन जब हम लाइव फीड में देख रहे थे तो हमें भी यही लग रहा था कि कैप्टन सी के लिए शायद प्रतीक और जय के बीच में लड़ाई चल रही है, यानी इन दोनों के बीच में कैप्टन चुना जाना है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, तेजस्वी संचालन के रूप में काम कर रही थी। तेजस्वी ने संचालक बनते बनते ही जय के साथ बहुत बड़ा झगड़ा किया, कुछ अनबन हुई, कुछ बातों का इधर से उधर से ताना बाना बुना गया और ये झगड़ा थोड़े ही समय में ख़त्म भी हो गया। लेकिन अब जो खबर आ रही है कि कैप्टन सी के लिए किसको चुना गया है, तो हमें ये समझ में आ रहा है कि कैप्टन सी टास्क इन घर वालों के बीच में था, ना कि जंगल वासियों के बीच में। तो इन सभी लोगों के बीच में जो घर के अंदर है, कैप्टन सी टास्क के लिए होड़ चल रही थी। ऐसे में अब जो कैप्टन बना है वो है निशान। जी हाँ, निशान भट्ट को कैप्टन बनाया गया है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि निशान भट्ट किस तरह से घर का संचालन संभालते हैं और किस तरह से अपना कैप्टनसी अपना समय ये वीक पूरा करते हैं। वाकई में देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि शमिता शेट्टी बिग बॉस की पहली कैप्टन बनी और अब दूसरा कैप्टन बना दिया गया है निशांत भट्ट को। आप कितने एक्साइटेड हैं निशांत को कैप्टन बने हुए देखना, क्योंकि हमने हर बार सुना है कि निशांत अपने काम के लिए, अपनी बातों के लिए फेयर रहते हैं। वो कभी भी किसी के साथ धोखा नहीं करते, ना उनका पलड़ा किसी दोस्त या किसी और के सामने भारी होता नज़र आता है। तो देखना तो बड़ा ही दिलचस्प होगा कि निशांत अब पूरे हफ्ते अपनी कैप्टनसी कैसे निभाते हैं।